राजकीय बहुतकनीकी संस्थान की खेल प्रतियोगिताओं में टेबल टेनिस में सुंदरनगर के कंडाघाट को 3-2 से हराकर विजेता ट्रॉफी जीती। बैडमिंटन में भी सुंदरनगर कंडाघाट को 2-1 से हराकर विजेता बना। वॉलीबॉल का फाइनल भी सुंदरनगर और कंडाघाट के बीच में हुआ, जिसमें कंडाघाट ने सुंदरनगर को 2-0 से हराकर विजेता ट्रॉफी जीती। सुंदरनगर ने 3 में से 2 खेल स्पर्धाओं में विजेता और 1 में उपविजेता बनकर ओवरऑल ट्रॉफी जीती। कंडाघाट 3 में से 1 खेल स्पर्धा में विजेता और 2 में उपविजेता बनकर उभरा। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर में 2 दिवसीय 24वीं राज्य स्तरीय अंतर बहुतकनीकी खेल प्रतियोगिता के समापन अवसर पर बतौर मुख्य अतिथि विधायक नीरज ठाकुर ने विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए। इस प्रतियोगिता में राज्य भर के 14 राजकीय बहुतकनीकी संस्थानों से 175 महिला खिलाड़ियों ने वॉलीबॉल, बैडमिंटन और टेबल टेनिस खेल स्पर्धा में भाग लिया। इस अवसर पर अपने संबोधन में विधायक नीरज ठाकुर ने कहा कि खेलें जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं तथा खेलकूद प्रतियोगिताओं में बच्चों को बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलों के माध्यम से ही युवाओं को नशे से दूर रखा जा सकता है तथा इसके लिए सरकार द्वारा ग्रामीण स्तर पर भी खेल मैदानों के निर्माण के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। विधायक नीरज ठाकुर ने कहा कि स्कूलों में भी खेलकूद प्रतियोगिताओं के नियमित आयोजन के लिए आवश्यक कदम उठाए गए हैं ताकि ग्रामीण प्रतिभा को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। इस अवसर पर मंडला अध्यक्ष बलदेव धीमान, नगर परिषद अध्यक्ष सुलोचना देवी, मंडल महामंत्री राजेश गौतम, उप प्रधान ग्राम पंचायत सोहल राजीव शर्मा, पार्षद वीना धीमान, बहुतकनीकी संस्थान हमीरपुर के प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा और बिलासपुर के आर के शर्मा सहित विक्रम ठाकुर, विवेक धीमान सहित अन्य गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। आज 24वीं इंटर कॉलेजेस फीमेल स्पोर्ट्स इवेंट में मुझे आने का इस शुभ अवसर पर स्थानीय प्रिंसिपल व स्टाफ व बच्चों ने मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों, मैं आपसे कह देना चाहूंगा कि 2-3 दिन से हम बहुत बिजी थे, बहुत थके हुए थे, लेकिन अभी अभी आपको जो हमने गिद्धा देखा, इससे हमारी सारी थकान दूर हो गई। बहुत बढ़िया गिद्धा का प्रस्तुति कार्ड जो आपके बच्चों ने दिया, बाकी काबिले तारीफ था। ये खेल प्रतियोगिता मैं बधाई देना चाहूंगा विजेता बच्चों को, जिस बार यहां आज ट्रॉफी लेके जा रहे हैं। आशा करता हूं जो बाकी टीमें रन्स अप रही या हार गई, आने वाले अगले टूर्नामेंट में अगर जरूर मेडल लेके यहां पे जाएगी। ये स्पोर्ट्स है, जब दो टीमें खेलती हैं तो एक को हार का सामना करना पड़ता है, कोई जीत का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक स्टूडेंट लाइफ में जितना महत्व शिक्षा का है, मैं समझता हूं स्पोर्ट्स का भी उतना ही महत्व है। अगर आप चाहते हैं कि आपका ऑलराउंड विकास हो और आने वाले इस कंपटीशन जमाने में आप उस कंपटीशन में सक्सेस हो, तो स्पोर्ट्स में जाना, स्पोर्ट्स में भाग लेना, ये सभी चुनौतियों में सामना करने में सबसे सहायक होता है।